Wow, this is super, yaar. I think he is Snoopy Island. हाँ exactly. अब बोट्स भी जा जाके वैसे ही रुक रही हैं. हमारा नेक्स्ट स्टॉप सैंडी बीच है. लुक एट द व्यू एट द बैक साइड, सो अमेजिंग. जगह काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ पे स्नॉकलिंग भी होती है और आप देख सकते हैं आज वैसे जो है नॉर्मली रश होता है, मगर अभी मेरे ख्याल से क्योंकि वर्किंग डे में हम आए हैं तो इसलिए इतना ज़्यादा रश नहीं है. मगर यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं लड़के. ज़्यादा ही सैंड है यहाँ, सीधे सैंडी बीच है मुझे लग रहा है. मतलब आप इस सैंड में तैर सकते हैं. एक रेत का टीला है और उस पर चल के जाना है और फाइनली पानी आ ही गया है लग रहा है. अगेन एक और रेत का टीला है और उसके ऊपर चढ़ के जाना है. वाह, आई डिड नॉट सी एक्चुअली कि इतना साफ सुथरा बीच होगा पीछे इतने सारे पहाड़ों के बाद. आपको लगा था कि इतना साफ सुथरा बीच होगा पीछे इतने सारे कचरे से? नॉट कचरा एक्चुअली, लेकिन काफी ज्यादा अच्छा है. मतलब इतनी बहुत ही कोई अरसे बाद मैंने इतनी साफ रेत देखी होगी. मतलब आना मैं सफाई का चेक कर, इवन सीपियां तक जो वो पाँव में चुभने वाला सीन होता बिल्कुल भी नहीं. यार ये कुछ एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी, कोई केकड़ा शेकड़ा तो नहीं. हमारी फैमिली शेडो पिक्चर. और ये है स्नूपी आइलैंड साहब. क्योंकि ये पीनट गार्डन के स्नूपी से मिलते जुलते पता नहीं हमें नहीं लग रहा है लेकिन वैसा लग रहा है. साफ नज़र आ रहा है तो शायद इसीलिए यहाँ पे स्नॉर्कलिंग लहरों के साथ पानी जो है काफ़ी गंदा हो रहा है. और देखने की बात है साथ पीछे जाते हुए सूरज मियाँ. वाह, हमारी शेडो फैमिली पोर्ट्रेट. सिफा लेट्स वेव, हेलो, से हेलो. ओह एक्चुअली लेट्स वेव, बाय बाय बाय.